एक मिनट आखी जी मम्मी जी से मिलने आप। क्या राखी जी बहुत खुश लग रहे हैं। माँ के पास जा। रोइए, रो मत, रोते हुए अच्छे नहीं लगते, थोड़ा हंसो। क्या हंसो? हंसते हुए थोड़ा आगे जाइए, जनता देखना चाहती है आपको। हाँ, क्या पीछा रे? हंसते हुए जनता देखना चाहती है ना राजू? जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। नहीं नहीं, हंसने के लिए कुछ भी नहीं है। पति का साया सर से उड़ गया, माँ का साया उड़ गया, अकेली हूँ, क्या करेंगे? कितना मुंडी छाप रहे? आपको ये देखो, कहाँ घुस रहे हो यार? अरे दूरी है। अच्छे को सेंटर दे रही है। ये देखो सोना भाई, याद कहाँ कर रहे हो? देखो कैमरा। अरे हमारे फ्रेंड को माँ से मिलाने जा रहे हैं। क्या बात है। उधर जाओ, आगे जाओ, भाग के वो मोमबत्ती लाओ, पानी लाओ जल्दी से। वो देखो बंदा आ गया। कल भी आए थे क्या राखी जी आप सब बारात में? शबे बारात में मैं आना चाह रही थी, बट मुझे रात को डर लगता है। मेरी माँ के पास आऊँ और फिर दूसरे को बाबा, इसीलिए डर लगता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं, वो दूसरे रात के डर पे आते नहीं ना, मुझे मालूम नहीं ना। शबे बारात मेरी तो पहली बार थी ना, अब पति नहीं है, कोई भी नहीं है, को समझाएगा कौन मुझे? बस इधर इधर ही तो अज देख के खड़े रहे। लाओ दीदी, माचिस लाए, उधर रखते में चला।
बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मॉम की ब्लेसिंग गॉड का प्यार थैंक यू देखो फूल देखो कितने अच्छे ताजे आए हैं इतने मेरी माँ लाइव है मेरी माँ जिंदा है देखो फूल देखो कितने ताजे हैं आप देख रहे हो देखो कितने फूल मुरझा गए हैं मेरी माँ के फूल देखो कितने ताजे हैं माँ मेरी जिंदा है वक्त पे इलाज हो गया होता तो शायद मेरी माँ बहुत ही दर्द सहा है ईश्वर परमेश्वर मेरी मदद करो कि मैं एक कैंसर हॉस्पिटल बना सकूं उन गरीब लोगों के लिए जिनका इलाज नहीं हो सकता माँ ईश्वर परमेश्वर अल्लाह मेरी मदद करो जरूर होगा इंशाअल्लाह थैंक यू कितना हुआ मैं मोमबत्ती का हाँ नहीं वो कहाँ दूसरे गए तो ये लिख के रखना था अभी मैं आऊंगी ना तो उसको इसका पानी डालते रह रहे हो ना आप लोग तो काटता ना तिथ हो प्लीज हाँ हो ते खाने आपल्याला ते बनवायचे वर्ष तो कधी पण 3 महिन्यानंतर ना हो 3 महिने के बाद बनाएंगे ना हाँ ना मेरे को ते बनवायचे आपल्याला हाँ थैंक यू बहुत अच्छा है हाँ पाटिल सर थैंक यू पाटिल सर हाँ धन्यवाद प्लीज वो फूल मुरझाए नहीं मेरी माँ के प्लीज हो जे तुमचं असेल ना मी येते आणि हे करते हाँ दादा ह्यांच्या समोर नको बरं वाटत हो वहां से मिलके आती हूँ तो शांति मिलती शांति है मिलती है तो कुछ नहीं किया भाई धक्के हाथ रखा दे रहे कुछ अच्छा हो जाएगा मैं तो लोगों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ माँ बाप वापस नहीं आएंगे उन्होंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा जो दूर दूर रहते हैं इंडिया छोड़कर अपने माँ बाप को छोड़ दिया है अनाथ आश्रम में डाल दिया है माँ बाप को घर में वापस ले जाओ प्लीज मैं आप लोगों के हाथ पैर जोड़ती हूँ माँ बाप की हाय बहुत बुरी लगती है ईश्वर जो है ना परमेश्वर अल्लाह वो कभी माफ नहीं करेंगे अगर हम अपने माँ बाप के साथ बुरा करेंगे तो कभी माफ नहीं करेंगे कितना भी अरबों खरबों कमा लो आप जाना तो कब्र में ही है एक दिन मरना ही है एक दिन माँ बाप से प्यार करो माँ बाप से प्यार करो उनकी सेवा करो मैंने मेरी माँ की आखिरी सांस तक माँ को संभाला है माँ की ब्लेसिंग मेरे साथ है फिर मैं माँ से कुछ भी गलती हो गई तो माफी मांगती हूँ माँ से और खुदा से माफी मांगती हूँ कोई भी गलती हो गई हो तो आप लोग माँ बाप का ध्यान रखे प्लीज माँ बाप लौट के नहीं आते वापस एक बार दुनिया में हर चीज आ जाएगी माँ बाप नहीं आएंगे कभी नहीं आते बस थैंक यू बस बंद कर दे भैया।